चंदेरी से लगभग 5 किलोमीटर दूर मालन खो पर एक युवक का शव मिला है। परिजनों द्वारा मृतक व्यक्ति की शिनाख्त रोहित बरार के रूप में की गई है। ये युवक तो चंदेरी से शाम से घर से गायब था। परिजनों द्वारा रोहित के गुम होने की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस और परिवार के लोगों द्वारा लगातार रोहित की तलाश की जा रही थी। इसी बीच रोहित के मालन खो मंदिर पर मृत पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस द्वारा मृतक के शव को चंदेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी गई। युवक है जो 2 तारीख को घर से घुमा हुआ था, लेकिन उसके परिजनों ने रिपोर्ट 5 तारीख को की है। और जैसे ही रिपोर्ट हुई है, पुलिस द्वारा तत्परता से पतासाजी की गई और रिपोर्ट दिनांक को ही रात्रि में पता चला कि पहाड़ी में एक शव मिला हुआ है, जिसकी शिनाख्त करने पर ज्ञात हुआ कि जो गुमशुदा था वही व्यक्ति है। और चूंकि अपराध पहले से पंजीबद्ध है, उसमें 363 का कि नाबालिग बच्चा घर से गुमा था, अपराध पंजीबद्ध है। आज उसका शव पंचनामा कार्रवाई करने के उपरांत पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होगी, उसमें जो भी धाराएं बढ़नी है वो धाराएं बढ़ा दी जाएंगी और कुछ सस्पेक्ट से भी पूछताछ की जा रही है। और संदिग्धों से पूछताछ के बाद निश्चित तौर से कुछ ना कुछ निष्कर्ष अतिशीघ्र निकलेगा कि आरोपी कौन है। छिंदवाड़ा जिले के